कुछ महिलाओं ने मुझे कहा कि उनकी 60,000 से 1,00,000 तक आमदनी हो गई थी, आज वही गोठान बंद हो रहे हैं। बहनें, आप समाज का बोझ उठाती हो तो जब भविष्य तय करने का समय आता है तब आपको बहुत विवेक के साथ, बहुत गहराई के साथ समझना पड़ेगा कि आप अपना वोट किसको डाल रहे हैं और क्यों डाल रहे हैं। देखिए, भारत ऐसे नहीं विकसित होगा कि आपको 5 किलो राशन का बोरा पकड़ा लिया और उसी से आप खुश रहे। आपने मेहनत से, मेरे भाइयों आपने, मेरी बहनों आपने मेहनत से अपने बच्चों को बड़ा किया, मेहनत से उन्हें पढ़ाया। आज गरीब से गरीब परिवार सबसे पहले ये चाहता है कि बच्चा पूरी तरह से पढ़ाई करे। चाहते हो कि नहीं? चाहे आप खेती किसानी करते हो, चाहे आप मजदूरी करते हो, सब चाहते हैं कि बच्चा अच्छे पाठशाला में पढ़े, बच्ची की अच्छी शिक्षा हो, ताकि बड़े होकर रोजगार मिले, बड़े होकर आपकी देखभाल हो। सब यही प्रयास करते हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो तमाम पाठशालाएं खोली गई, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए, जिसमें आपकी पढ़ाई आसानी से हो सकती थी। आज बघेल जी ने कहा, उन्हीं पाठशालाओं में आपसे बड़ी बड़ी फीस ली जाती है। आप सबने मेहनत की, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, इसलिए कि एक सरकार आए उसको 5 किलो राशन पकड़ा दे और बोले घर पे बैठो। ऐसे बनेगा भविष्य आपके बच्चों का? कोई मना नहीं करता, राशन मिलना चाहिए, हमने तो और भी दिया। ये लोग 5 किलो दे रहे हैं चावल, हमने 35 किलो दिया, लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि यही तुम्हारे लिए काफी है। हमने कभी इस मंच पे खड़े होकर ये नहीं कहा कि बस तुम्हें यही मिलेगा। हम तुम्हारे रोजगार की बात नहीं करेंगे, हम बढ़ती हुई महंगाई की बात नहीं करेंगे, हमने तुम्हें राशन दे दिया, इसी से खुश रहो। कभी नहीं कहा किसी कांग्रेस के नेता ने, लेकिन भाजपा का एक एक नेता, भाजपा के प्रधानमंत्री भी ऐसा कहते हैं। रोजगार की बात नहीं करते, रोजगार बनाने की बात नहीं करते, महंगाई घटाने की बात नहीं करते। 1200 रुपए का गैस सिलेंडर आपसे खरीदवाया 5 सालों के लिए, 1200 रुपए का खरीद सिलेंडर आपसे खरीदवाया और चुनाव आ रहा था, 2 महीने पहले उसको 400 बना दिया। बहने सोचो, कह रही है कि अभी भी नहीं मिल रहा है 400 का, लेकिन सोचो क्या नियत हो सकती है कि पहले तो आपसे 1200 रुपए में खरीदवाया, जैसे ही चुनाव आया ये कह दिया कि ये 400 का हो जाएगा। क्यों? चुनाव के पहले आपको सिलेंडर की जरूरत नहीं थी? चुनाव के पहले आपका कोई संघर्ष नहीं था क्या? चुनाव के पहले महंगाई नहीं थी? तो चुनाव के पहले क्यों नहीं सोची ये बातें? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज इस देश में नाटक और नौटंकी की राजनीति चल रही है, नैतिकता की राजनीति नहीं है। आपके सामने मंच पे खड़े होकर बड़े से बड़े नेता आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं बड़े बड़े प्रदेशों के, प्रधानमंत्री आते हैं हमारे देश के, और उनको अपने दिल में यह एहसास नहीं होता कि यहां खड़े होकर जनता का आदर सम्मान लेकर, जनता की श्रद्धा लेकर उन्हें जनता से सच कहना चाहिए। उनको ये एहसास नहीं होता, उनको लगता है कि जनता के सामने कुछ भी कह दें, कितने भी झूठे वादे कर लें, जनता पूछेगी नहीं। अपनी सत्ता दिखाते हैं, अपनी शोहरत दिखाते हैं, अपनी शान दिखाते हैं, लेकिन आपके प्रति श्रद्धा नहीं दिखाते, आपके प्रति आदर नहीं दिखाते। और ये इस देश की परंपरा नहीं है, ये इस देश की राजनीति नहीं रही। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस देश की पुरानी परंपरा है, हिंदू धर्म की परंपरा है, आदिवासी धर्म की परंपरा है, इस देश की राजनीतिक परंपरा है, महात्मा गांधी जी की परंपरा थी कि इस देश में नेता का धर्म सेवा होता है, इस देश में जनता सर्वोपरि होती है। इस देश में हर एक नेता जानता था
कि जनता के सामने खड़ा होता है तो सच नहीं बोलेगा तो जनता सबक सिखाएगी। लेकिन आज मेरे बहनों और भाइयों, परिस्थितियां बदल गई हैं। आपने इतनी सत्ता दी, इतना सम्मान दिया, आपने इतनी श्रद्धा दी कि एक नेता बहुत अहंकारी हो गए हैं, बहुत बड़े हो गए हैं, अपने आप को आपसे ऊपर समझने लग गए हैं। और इस अहंकार में उनका घमंड इतना बढ़ गया है कि उनके आसपास के लोग उनको सच्चाई नहीं बताते। आज परिस्थितियां ये है कि इस देश के प्रधानमंत्री इस तरह के बड़े मंच पर तो आपके सामने आ जाते हैं, लेकिन आपके बीच कभी नहीं आते, आपके गांव में नहीं आते, आपके घरों में नहीं आते, ये देखने नहीं आते कि आप कैसे जी रहे हो, आपके क्या क्या संघर्ष हैं, आप इतनी महंगाई में कैसे अपनी सब्जियां खरीद रहे हो, कैसे दाल रोटी पूरी हो रही है, किस तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हो, वो पूछने तक नहीं आते। लेकिन इस देश की परंपरा मत भूलो बहनों और भाइयों, इंदिरा जी जैसी बड़ी नेता आपके घरों में आई। मैं छोटे छोटे गांवों में जाती हूँ, उत्तर प्रदेश के कोने कोने में गई, मुझे खुद ताज्जुब हुआ, कोने कोने में जाकर किसी छोटे गांव में मैंने खीर खाई और वहां की एक बूढ़ी महिला ने कहा, जानती हो ये खीर मैंने तुम्हारी दादी को भी खिलाई थी, वो भी यहाँ आई थी उस समय जब कोई हेलीकॉप्टर उड़कर वहां नहीं जाता था, जब कोई हवाई अड्डा नहीं होता था वहां के पास, गाड़ी में, पैदल, टांगे में, हाथी पे बैठ के गांव गांव तक पहुंचती थी। इस देश की नेता थी और वो इकलौती ऐसी नेता नहीं थी, इस देश का हर नेता जानता था कि देश की जनता के प्रति श्रद्धा के बिना कोई सत्ता नहीं मिलने वाली और ये देश आगे बढ़ने नहीं वाला। लेकिन आज जैसे मैंने कहा, ये परिस्थितियां बदल गई हैं, महंगाई बढ़ रही है, प्रधानमंत्री जी को मालूम ही नहीं है। अगर मालूम होता तो आपके सामने जब आते तो क्या महंगाई की बात नहीं करते, क्या ये बात नहीं करते? ये दुनिया के जो सबसे बड़े नेता हैं, जिनकी इतनी सत्ता है कि भाजपा का एक एक नेता कहता है कि मोदी जी से बड़ा कोई दुनिया में नेता ही नहीं है, कि दुनिया के सारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर देखते हैं, कि जब दुनिया में कोई बड़ा जंग होता है तो चुटकी बजाकर मोदी जी उस जंग को बंद कर सकते हैं। अच्छा, जंग को बंद कर सकते हैं तो अपने देश में अपनी जनता के लिए, अपने भाई बहनों के लिए बेरोजगारी को क्यों खत्म नहीं किया? इतने बड़े नेता हैं, इतनी सत्ता है, 10 सालों से किसी ने तुम्हारी सत्ता पे उंगली नहीं उठाई, किसी ने तुमसे सवाल नहीं पूछा, सारी मीडिया तुम्हारे सामने झुक गई, पूरा देश तुम्हारे सामने झुकता है, लेकिन तुमने 10 सालों में महंगाई कम क्यों नहीं की, मेरी बहनों की मदद क्यों नहीं की? जब मेरी बहनों पर अत्याचार हो रहा था तो जिसने अत्याचार किया, जहां जहां भी किया, उसको बचाने वाला कौन था? हाथरस को देखिए, उन्नाव को देखिए, मणिपुर में देखिए क्या हुआ एक महिला के साथ, वो भी आदिवासी महिला थी, पूरे देश के सामने उसके साथ अत्याचार हुआ, मोदी जी ने क्या किया? अपना मुंह फेर लिया, आंखें मूंद ली, और जहां जहां महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे हमारी ओलंपिक मेडलिस्ट के साथ ना हो, इस सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अत्याचारों को बचाया है, उन्होंने उनको बचाया है जिन्होंने किसानों को अपनी जीप के पहिए के नीचे कुचला, किसानों को नहीं बचाया, उन्होंने उनके कर्ज माफ किए, 16 लाख करोड़ रुपए के कर्ज, जो बड़े बड़े उद्योगपति इनके दोस्त हैं, लेकिन किसानों के कर्ज माफ नहीं किए। जब गन्ने का बकाया था 15,000 करोड़, तब उन्होंने नए संसद के लिए 20,000 करोड़ खर्च लिए, लेकिन गन्ने का बकाया नहीं दिया उत्तर प्रदेश के किसान को। जब किसान रो रहा था, आंदोलन कर रहा था, तो प्रधानमंत्री जी अपने घर से बाहर नहीं निकले, मात्र 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं,
बाहर नहीं निकले, 600 किसान शहीद हुए, लेकिन प्रधानमंत्री बाहर नहीं निकले उनकी बातों की सुनवाई करने के लिए।